नमस्कार, बिहारी न्यूज के कुर्सीनामा के आज के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रतन सेन भारती और हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक सिमरनजीत सिंह। आज हम समझेंगे बिहार की राजनीति को, साथ ही साथ समझेंगे ऑपरेशन लोटस को, बिहार को लेकर खास करके, क्योंकि बिहार में भी क्या ऑपरेशन लोटस, जो बीजेपी का एक तरह से कह लें कि जुमला रहा है या फिर कह लें कि एक तरीका रहा है अपनी सरकार बनाने को लेकर, ऑपरेशन लोटस को लेकर, तो क्या बिहार में भी ऑपरेशन लोटस होने जा रहा है? तो सिमरनजीत सिंह, बताएं कि क्या बिहार में भी बीजेपी किस तरह की तैयारी चल रही है ऑपरेशन लोटस को लेकर? देखिए, ऑपरेशन लोटस जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है और खास तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह जिस तरीके से उनके रणनीतिकार के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर सामने आते रहे हैं, तो ऑपरेशन लोटस एक शब्द विकसित हुआ है जी। हालांकि इसकी नैतिकता, अनैतिकता पर सवाल उठाए जा सकते हैं कि लोकतंत्र में ऐसा करना कहां तक सही है। तो ऑपरेशन लोटस का जो निहितार्थ था, मतलब था, अभी तक यही लगाया जाता रहा है कि किसी भी राज्य में अगर विरोधी दल की सरकार है तो उस सरकार को गिरा देना, उनके विधायकों को तोड़ लेना, जैसा कि विरोधी आरोप लगाते हैं। बीजेपी कहती कि भाई आपके ही विधायक। इसी समय मैं दो चीजें कोट करता हूं, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण संसद भवन में कि मैं ऐसी सरकार को चिमटे से भी छूना नहीं पसंद करूंगा, और दूसरी बात ये भी है कि दल बदल कानून को लेकर जो है अटल बिहारी वाजपेयी सबसे ज़्यादा सख्त रहे हैं, और अब बीजेपी जो है ऑपरेशन लोटस को लेकर पूरे देश में कहें कि एक्टिव दिखती है। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी से जो है आप नरेंद्र मोदी की तुलना नहीं कर सकते। नहीं, मैं इसका तुलना नहीं कर रहा हूं, मगर पार्टी दोनों वाजपेयी एक अलग चीज थे और नरेंद्र मोदी अलग चीज है। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग राजनीतिक शैली रही है, और हम जो बात बिहार के परिप्रेक्ष्य में कर रहे थे, तो ऑपरेशन लोटस को अब तक ये माना जाता रहा है कि चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करना, गिराना, विधायकों इधर से एकदम दल बदल जो चीजें हैं। लेकिन बिहार में ऑपरेशन लोटस का थोड़ा सा मतलब दूसरा है। बिहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है अभी, बहुत हड़बड़ाहट में नहीं है कि वो बिहार में सरकार गिरा दे, और ना ही बिहार में ऐसी राजनीतिक परिस्थिति है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस माले के विधायकों की संख्या काफी बड़ी हो जाती है। जी। और आज से नहीं, जब नीतीश कुमार बीजेपी के भी साथ थे तब बार बार लगातार इस बात को कहा जाता था कि कांग्रेस के विधायक टूटने वाले हैं, तो इनके विधायक टूटने वाले हैं, उनके विधायक टूटने वाले हैं। टूटा कोई नहीं, टूटे सिर्फ एमआईएम के 5 में से 4 विधायक और आरजेडी के साथ चले गए। दरअसल बीजेपी बिहार में ऑपरेशन लोटस यह चला रही है, ऑपरेशन लोटस इन बिहार, इसका मतलब है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी नए नेताओं और नए सहयोगियों की खोज कर रही है जिसको लेकर के वो आगे बढ़ सके। इसके तहत कई नेताओं को, जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए कई नेताओं को, आरजेडी से जुड़े हुए कई नेताओं को वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। हालांकि आरजेडी का भी किसी नेता का नाम नहीं आया है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के कई नेता बारी बारी से अलविदा कह चुके हैं नीतीश कुमार को, जनता दल यूनाइटेड को, जिनमें उपेंद्र कुशवाहा है, आरसीपी सिंह है, कल मीना सिंह का नाम जुड़ गया इसमें, और कई नाम और आने वाले हैं। जैसे हम आपको बता दें कि उदय सिंह, पूर्णिया के पूर्व सांसद, जिन्होंने पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, उनके बारे में भी अटकलें तेज हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही जो भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं, मोतिहारी से सांसद हैं राधा मोहन सिंह, केंद्र में मंत्री रहे, इनका टिकट कटने की चर्चा चल रही है। राजीव प्रताप रूडी को भी साइडलाइन करने की बात कर रही है। बहुत सारे नेताओं की चर्चा, आरके सिंह जो आरा से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री, तो कई लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब ये लोग साइडलाइन होने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कई नए चेहरों को मौका देने जा रही है, और कोई जरूरी नहीं है कि ये चेहरे बीजेपी के अपने हों, ये चेहरे जनता दल यूनाइटेड से तोड़े जा सकते हैं, दूसरे दलों से तोड़कर लाए जा सकते हैं। अभी तक यही ऑपरेशन लोटस जो है वो बिहार में हो रहा है। एक चीज और समझाइए, कोशिश करिए कि क्या जो जदयू से जो नेता जो है टूटकर या फिर कल जदयू छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, खासकर अगर हम बीजेपी की बात कर ले तो वहाँ जा रहे हैं, तो उसमें क्या आपको लगता है कि जिस तरह के अभी राजनीतिक समीकरण हैं जदयू और आरजेडी को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि जिन क्षेत्रों में आरजेडी का प्रभुत्व है और वहाँ जदयू हारी हुई है, मतलब दूसरे स्थान पर है, तो क्या उन नेताओं को लगता है कि अगली बार नेता हमको टिकट नहीं देंगे और इसलिए वो वहाँ से अलग हो जा रहे हैं? नहीं, देखिए, राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं से ही राजनीति चलती है। तो आप याद करेंगे 2014 के लोकसभा चुनाव को, 2014 में भारतीय जनता पार्टी लोजपा
रालोसपा इन पार्टियों को लेकर चुनाव लड़ी थी जी, जबकि नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े थे। हाँ। और नीतीश कुमार को महज 2 सीटें आई थी। बीजेपी के हिस्से ढेर सारी सीटें आ गई थी, लगभग 20-22 के करीब सीटें बीजेपी ने अकेले जीती। 22 सीटें थी। इसके बावजूद भी जब अगली बार चुनाव हुए तो आपने देखा कि स्थिति क्या रही, बीजेपी ने अपनी जीती हुई सीटें छोड़ी और जनता दल यूनाइटेड को दी। तो नई परिस्थितियों में जब गठबंधन होता है, नए समीकरण जब बनते हैं, पुराने समीकरण जब बिगड़ते हैं, तो वैसे में नए सिरे से सब कुछ होता है। तो ऐसा नहीं कि जिन जिन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड सेकंड रही, फर्स्ट रही, आरजेडी सेकंड रही, लगातार जेडीयू तो लगभग सारी सीटें जीत ही गई थी। जेडीयू में किसी के टिकट कटने का खतरा नहीं है, खतरा तो आरजेडी में होना चाहिए क्योंकि आरजेडी के तमाम उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। लेकिन आरजेडी से अभी तक कोई जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि उल्टे जदयू से ही, जनता दल यूनाइटेड छोड़कर ही लोग जा रहे हैं, क्योंकि आरजेडी के नेताओं को अपना भविष्य जो है आरजेडी में अभी भविष्य सुरक्षित सुखद नजर आ रहा है। इसलिए आप पुराने समीकरणों की बात न करें। एक चीज़ और, अब जैसे जितने भी जदयू के नेता हैं वो जब पार्टी छोड़ कर जब जा रहे हैं तो उनका एक ही बयान सामने आता है सबका, ओवरऑल अगर हम देखें औसतन तौर पे, तो कि आप जब आरजेडी के साथ आए हैं तो आपकी स्थिति जो है वो ठीक नहीं लग रही है, जदयू की आपके जो है एक तरह से कह लें कि आपका इकबाल नहीं रहा सरकार पे, आप कमज़ोर दिखते हैं, आप आरजेडी के अंदर में रह कर काम करते हैं, हम वो नीतीश कुमार नहीं देख पा रहे। हमको लगता है कल का भी बयान मीना सिंह का उसी तरह का है, उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान उसी तरह का है, आरसीपी सिंह भी उसी तरह से बोल रहे हैं, तो क्या ये इसमें कितनी सच्चाई लगती है? देखिए कोई तो बहाना होना चाहिए ना। दरअसल सबसे बड़ी बात है, हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार पहली बार आरजेडी के साथ आए हैं, नीतीश कुमार पहली बार बीजेपी के साथ गए हैं। सही बात। तो आज अचानक से क्या हो गया, अब मैं बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा ने, आपको बहुत दिलचस्प बात बताता हूं, उपेंद्र कुशवाहा ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव या मीना सिंह भी कहती हैं, जंगल राज के महानायक हैं, हम इसीलिए जो है अलग हो रहे हैं। अरे भाई उपेंद्र कुशवाहा जी, 2014 के बाद जब 2019 कितना दिन हुआ, लोकसभा का चुनाव गुजरा, नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ चले गए, आप आरजेडी के दरवाजे पर चले गए, आपने आरजेडी से ढेर सारी सीटें मांगी, आरजेडी ने आपको 5 सीटें दी भी, आप उस पर चुनाव भी लड़े, आप सारी सीटें हार गए, आप आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, आप आरजेडी के साथ कई बार मंच साझा कर चुके हैं, और ये नई नई कहानी आपने शुरू कर दी, ये कहाँ से होता है? तो लोगों को सवाल पूछना चाहिए। दरअसल हमारे जो मीडिया के लोग हैं ना, उनको भूलने की आदत हो गई है, जब उपेंद्र कुशवाहा कोई भी नेता काउंटर क्वेश्चन वहाँ पे एकदम होना चाहिए, नहीं बिल्कुल काउंटर क्वेश्चन कोई करता ही नहीं है, जब इस तरीके के सवाल किए जाए, जब जंगल राज पर सवाल उठाया जाए, जब आरजेडी के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाया जाए, लालू प्रसाद यादव पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए, जब तेजस्वी यादव के बारे में बोल रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, तो उपेंद्र कुशवाहा से ये सवाल पूछना चाहिए था कि भाई अगर लालू प्रसाद यादव इतने ही खराब थे, अगर तेजस्वी यादव इतने ही खराब है, अगर आरजेडी इतनी ही खराब है, अगर आरजेडी के राज में जंगल राज था, अगर लालू प्रसाद यादव जंगल राज के नायक थे, अगर तेजस्वी यादव जंगल राज युवराज थे, तो उपेंद्र कुशवाहा जी 2019 में आपने गठबंधन क्यों किया, आपने आरजेडी से सीटें क्यों ली, आप तो आरजेडी के दरवाजे पर खड़े थे, उन्होंने आपको 5 सीटें दी, आप उनके साथ मिलकर लड़े, आपने प्रचार किया, आप हेलीकॉप्टर में घूमे, और आज आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जंगल राज के युवराज, इसलिए हमने जनता दल यूनाइटेड को छोड़ दिया। ये बड़ी दिलचस्प और हंसी वाली बात है, लेकिन राजनीति में है, नेता है, कुछ ना कुछ तो कहना है, नेता है तो कुछ कोई बहाना चाहिए। हाँ। और यही बहाना उनको मिल पाता है। ये एक बार आप बताइए कि ऑपरेशन लोटस के तहत क्या जदयू भी बीजेपी में शामिल हो सकती है? नहीं, हम इसके पीछे हम तर्क देते हैं। कहना ये है मेरा कि जैसे ही नेता कोई कहता है कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, उस पार्टी में नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार का एक बयान आया भी था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे उस पार्टी में नहीं जाएंगे, उसी तरह का बयान जो है अभी हाल ही में एक तरह से कह लें कि इनका अमित शाह का आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बीजेपी जदयू के लिए जो है सारे दरवाजे हमारे यहाँ बंद हैं, तो क्या यही कह के वो ये दरवाजे खोल रहे हैं? या क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा कि अभी ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी को बिहार में कम से कम जो है लोकसभा चुनाव के लिए इनको अपना साझेदार की जरूरत है, ताकि वो लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ आगे जा सके, तो क्या जदयू को भी अपने में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये देखिए, दरअसल राजनीति में कोई रास्ता कभी बंद नहीं होता, कोई दरवाजा कभी बंद नहीं होता, राजनीति संभावनाओं का खेल है, और यहाँ संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, और ऐसे में
कोई कुछ भी कह दे, अगर आज नीतीश कुमार तैयार हो जाए बीजेपी के साथ जाने के लिए, देखिए नए नए तरीके के बयान आपके सामने आ जाएंगे, नए कसीदे गढ़े जाएंगे, नीतीश कुमार को एक बार फिर से विकास पुरुष बताया जाने लगेगा, नीतीश कुमार एक बार फिर से कर्मयोगी हो जाएंगे। हम आपको बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं, कभी कुछ महीने पहले तक जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो ऐसा माहौल बनाया जाता था कि जैसे बिहार में रोजगार की बारिश हो रही थी, बिहार में इतना विकास हो रहा था कि पूछिए मत। और जैसे ही नीतीश कुमार चले गए राजद के साथ, महागठबंधन के साथ, वैसे ही लगा कि अचानक से बिहार में बेरोजगारों की बाढ़ आ गई, अचानक से बिहार में बेरोजगारी बढ़ गई। तो दरअसल नेताओं की ये कला है और ये बहुत खूबसूरत कला है और इसे हमें सीखना चाहिए कि किस तरीके से माहौल बनाया जाता है। कैसे नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ होते हैं तो विकास पुरुष हो जाते हैं, और कैसे नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाते हैं तो जंगल राज के संरक्षक हो जाते हैं, ये सीखना चाहिए। भोली भाली जनता कैसे समझेगी इन सारे चीज़ों को? हम आप तो ठीक है, चीज़ों को कम से कम देखते हैं तो चीज़ों को समझ में आती है। हम आप भी कहाँ समझते हैं? अगर हम आप भी समझते हैं तो कम से कम काउंटर सवाल पूछे जाते हैं वैसे नेताओं से जो कल तक आरजेडी में रहते हैं, फिर बीजेपी में चले जाते हैं, जेडीयू में चले जाते हैं और उसका सुर बदलने लगते हैं। तो इन सुर बदलने वाले नेताओं से कोई सवाल नहीं पूछा जाता, जबकि सवाल इनसे भी बनता है। तो ओवरऑल एक बताएं कि ऑपरेशन लोटस जो है वो बीजेपी का क्या होना है आखिरी में, आखिरी स्थिति क्या होगी? देखिए आखिरी स्थिति यही होगी कि बिहार में बड़े पैमाने पर नेताओं को तोड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेडीयू के नेता तो टूट रहे हैं, आरजेडी का अभी तक कोई नेता टूटता हुआ दिखाई नहीं दिया है। नजर कांग्रेस पर भी जाएगी, नजर उपेंद्र कुशवाहा पर है ही, आरसीपी सिंह है ही, मुकेश सहनी पर भी जो है तो डोरे डाल दिए गए हैं डोरे डाले जा रहे हैं। मुकेश सहनी की राजनीतिक समझ के बारे में क्या कहा जाए, जो है वो सामने है। मुकेश सहनी कब क्या करे, मुकेश सहनी तो शायद उस अपमान को भी भूल गए होंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी ने उनके विधायकों को तोड़ दिया, विधानसभा में उनको शून्य कर दिया और इनको दोबारा एमएलसी भी नहीं बनाया। आज मुकेश सहनी पैदल है। सही बात। तो सारी चीज़ों को लोग राजनीति में भूल जाते हैं। ऑपरेशन लोटस में होगा ये कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ तोड़ कर अपने दल में मिलाएगी। दूसरा काम यह होगा कि एक माहौल बनाया जाएगा कि देखिए बिहार में भगदड़ जैसा माहौल है, हेडिंग चल रही है भाई, अभी भगदड़ जैसा माहौल है, नए सहयोगी लाए जाएंगे, नए नेता लाए जाएंगे। इसके बाद एक और चीज जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए वो है बिहार में नए गवर्नर राजेंद्र आरलेकर आए हैं। राजेंद्र आरलेकर आए हैं, फागु चौहान की विदाई की गई है। अब इसके पीछे की वजह को आपको समझना पड़ेगा। दरअसल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में गवर्नर है जगदीप धनखड़ और लगातार उनका सीएम ममता बनर्जी के साथ विवाद चलता रहता है, मतलब गवर्नर के रूप में एक ऐसा व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ है जो वहाँ की सरकार को लगातार उसकी नाक में दम किए रहता है। बिहार में जो फागु चौहान थे वो ऐसा नहीं कर पाए कभी। फागु चौहान ने कभी भी नीतीश कुमार की सरकार को परेशान नहीं किया या नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते कभी भी तल्ख नहीं रहे। जबकि केंद्र सरकार ये जरूर चाहती होगी कि राज्यपाल ऐसा हो, गवर्नर ऐसा हो जो मुख्यमंत्री पर हावी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री पर हावी रहने की बात तो दूर, राजभवन पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लग गए विश्वविद्यालयों को लेकर के। अब राजभवन यहाँ खुद ही बैकफुट पर था तो वो सामने से नीतीश कुमार से लड़ाई लड़ता कैसे? तो ऐसे में एक नए गवर्नर के तौर पर राजेंद्र आरलेकर को भेजा गया और इसके पीछे भी ऑपरेशन लोटस को बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि जब राजेंद्र आरलेकर को बिहार का गवर्नर बनाया गया तो ढेर सारी चर्चाएं हुई, कई मीडिया रिपोर्ट्स भी आए और मीडिया रिपोर्ट्स में बनाया गया कि जो नव नियुक्त राज्यपाल है बिहार के राजेंद्र आरलेकर को सत्ता की लड़ाई जो बिहार में चलेगी उसमें एक नया केंद्र बनाएगा, जो आम तौर पर गवर्नर और गवर्नमेंट के बीच जो सरकारी लड़ाई, जो मतलब अगर विरोधी दल की राज्य में सरकार है और केंद्र में किसी दूसरे दल की सरकार है तो कोई नई बात नहीं है, ये लगातार देखने को मिलता रहा है। और यही एक जो था एक माहौल राजेंद्र आरलेकर के साथ लेकर के डाला गया कि राजेंद्र आरलेकर को लेकर आना, बिहार में सत्ता की एक नई लड़ाई को खड़ा करना और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बिहार में भी इस तरीके से कि नीतीश कुमार की सरकार को घेरना गवर्नर के जरिए, वो भी ऑपरेशन लोटस का ही एक हिस्सा रहा है। तो ऐसे में जिस तरह से, और नीतीश कुमार का उस समय एक बयान भी आया था कि पिछले 25 सालों में कोई भी राज्यपाल जो है 3 साल से ज़्यादा का कार्यकाल पूरा
नहीं कर पाया है, उसी का एक तरह से कह लेंगे फागु चौहान भी जो है चले गए। और लेकिन आपको बता दें कि राजेंद्र आर्लेकर के बारे में भी जो हमारे पास खबरें हैं वो भी अति पिछड़ी जाति से आते हैं, और हर हाल में नीतीश कुमार अति पिछड़े वोटों को अपने साथ मानते हैं, अति पिछले वोटों पर जदयू अपनी दावेदारी जताती है, लेकिन पिछले कई चुनाव से ये देखने में आया है कि बड़े पैमाने पर अति पिछड़ों का वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता रहा है। फागु चौहान जो पूर्व राज्यपाल थे वो भी अति पिछड़ी जाति से आते थे, राजेंद्र आर्लेकर के बारे में बताया जा रहा है कि ये भी अति पिछड़ी जाति से आते हैं, और अति पिछड़ी जाति को भी साधने की कोशिश गवर्नर के जरिए, गवर्नर की जाति के जरिए की जा रही है, ये भी एक तरीके का ऑपरेशन लोटस ही है। तो एक तरह से देखें कि अब बीजेपी जो है बिहार में अपनी सरकार को लेकर या फिर 2024 के चुनाव को लेकर एक पूरी कवायद तेज कर दी है कि कैसे जो है अब सत्ता के केंद्र में आया जाए और सत्ता पे आया जाए, कम से कम बिहार के साथ साथ केंद्र की राजनीति में जो है वो अब साधने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में ऑपरेशन लोटस के तहत बिहार में नेताओं को वो अपने में जुटाने की कोशिश कर रही है, या तो वो पार्टियों को अपने गठबंधन के साथ जोड़ेगी, नहीं तो फिर दूसरे पार्टी के जो नेता हैं उसे अपने पार्टी के अंदर जो है वो शामिल कराने की तैयारी में जुड़ गई है। तो ये कुर्सीनामा के आज के खास पेशकश में हम बात कर रहे थे ऑपरेशन लोटस को लेकर, एक नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।